हेलो क्लास एट, टुडे वी विल बी सीइंग अनदर टाइप्स ऑफ फ्यूल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड जनरली फाउंड डीप अंडर द अर्थ। पेट्रोलियम क्या है? एक गाढ़ा डार्क स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड है, नॉर्मली ज़मीन के काफ़ी अंदर, अर्थ के अंदर पाया जाता है। इट यील्ड्स मेनी फ्यूल्स, और इसके अंदर से इस पेट्रोलियम जब निकाला जाता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं उसको, उसको जब रिफाइन किया जाता है तो काफ़ी सारे, कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं और सब फ्यूल है। अनरिफाइंड पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। क्रूड मैंने पहले बताया कच्चा तेल होता है। उसके बाद जो है नेचुरल गैस कलेक्ट्स ओवर द पेट्रोलियम इन साइड द अर्थ। नेचुरल गैस होता है इसके अंदर, वो भी कलेक्ट किए जाते हैं। वेल्स आर संक टू एक्सट्रैक्ट देम। वेल के अंदर ये पूरी तरह से इसको संक किया जाता है ताकि इन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, निकाला जा सके। नेचुरल गैस इज़ डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स एंड यूज्ड। नेचुरल गैस चूँकि गैस है और वो प्योर होता है, इसलिए उसको कोई क्लीनिंग का या उसको और प्योरीफाई करने का इस तरह का कोई झंझट नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली वहाँ से निकालते ही उसके यूज़ के लिए भेज दिए जाते हैं टैंकर्स के थ्रू, उस पाइप के थ्रू, जैसे भी। क्रूड ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द ऑयल रिफाइनरीज फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन जो कच्चा तेल है, अभी उसकी प्रोसेसिंग होनी है अलग अलग टेम्परेचर पर, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी हम लोग देखेंगे, वो करते हैं। और ये क्यों करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आखिर क्या है, कैसा प्रोसेस है। ये उन लिक्विड्स का प्यूरिफिकेशन इससे होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है वो अलग अलग टेम्परेचर पर वो सेपरेट होते हैं, मीन्स उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उस आधार पर वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। खैर, इसको हम लोग देखेंगे 9th में, अभी जितना है उतना देख लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, ये एक बड़ा इशू है कि जो क्रूड ऑयल वहाँ से निकलता है इसकी रिफाइनिंग कैसे हो। पेट्रोलियम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दीज सेपरेटेड पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। आप फिगर को देखिए गौर से, इसको बनाना भी है। देखिए क्या होता है, एक बड़ा सा गैस चैम्बर है, इसके अंदर टावर, उसको टावर बोलते हैं, राइजिंग वो है, टावर है ऊपर की तरफ से। इसके अंदर ना अलग अलग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, वो टब जैसा पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है। ये होता क्या है, नीचे क्रूड ऑयल को रख के उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, वो वेपराइज होगा, वेपराइज होकर ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद अलग अलग फ्रैक्शंस यानी कि कटोरे लगे हुए हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं, तो जो कंपोनेंट की जो जितनी टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट की, उतने बॉइलिंग पॉइंट पर जा कर के वो वहाँ तक बॉयल होगा और वहाँ पर जा कर के वो कंडेंस हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में आके और उस पर स्टोर होगा। तो अब देखिए, उसको जो सबसे ज़्यादा वो है, ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे, फिर उसके बाद उसके फर्नेस से जितना ऊंचाई पर जाएगा उसको क्या होगा, हीट कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हीट होगा 350 से 400 डिग्री के, जिनका क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, वो पहले वाले कंटेनर पे डिपॉजिट होते जाएंगे। फिर 250 टू 350 के बीच में जो है वो सेकंड वाले पे, जिसको डीजल बोलते हैं, उसके और ऊपर जाइए 170 टू 250 के बीच में किरोसिन कलेक्ट होते हैं, उसके बाद और ऊपर जाइए तो 40 टू 170 के बीच में पेट्रोल, और उसके ऊपर 40 डिग्री के बिलो जो होता है वो पेट्रोलियम गैस होता है, और सबसे नीचे अगर आप देखें 400 एवप अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी की देखिए तो वो होता है रेसिड्यूअल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट वगैरह, और जो बच जाते हैं रेसिड्यूअल इसमें, यही है, आपने वेजलिन देखा होगा, पेट्रोलियम जेली होता है वो लिखा होगा उस पर, जो हम लोग नॉर्मली ठंडी के दिनों में कोल्ड क्लाइमेट में हमारा शरीर फटने लगता है, चेहरा वगैरह या हाथ वगैरह को, तो मॉइस्चराइजर के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ रेसिड्यूअल वैक्स, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम जेली। तो ये इस तरह से पूरा उसको यहाँ पर हम लोग फिर दिखाए हैं, उसको लिखे भी हैं, इसको लिख लीजिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरीड आउट इन हाई स्टील टावर्स
इन ऑयल रिफाइनरीज द क्रूड ऑयल इज वेपराइज्ड एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस एंड द वेपर्स आर फेड इन टू द टावर एज द वेपर्स राइज दे आर कूल्ड। इसको फिर से समझिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है ये एक स्टील टावर के अंदर, बहुत बड़ा हाई स्टील टावर के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है और खासकर ऑयल रिफाइनरीज में। और ये जो क्रूड ऑयल है जो वेपराइज होता है 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट किया जाता है और वेपर जो इसके निकलते हैं उसको इस टावर में छोड़ा जाता है। इस पर क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर ये कंटेनर लगे हुए हैं जिसको हमने फ्रैक्शन कहा है, ये कंटेनर लगा हुआ इस पर वो डिपॉजिट होता चला जाएगा अपने अपने टेम्परेचर के रेंज में आकर के, वो क्या होगा लिक्विफाई होगा और उस पर डिपॉजिट होता चला जाएगा। दे आर कूल्ड द फ्रैक्शन विद द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस इन द लोअर मोस्ट रीजन, द लिक्विड कलेक्ट्स इन कॉइलिंग ट्रे एंड इज लेट आउट, और उस ट्रे में कलेक्ट होकर के उसके बाहर उसका आउटिंग होता है, उसको निकाल दिया जाता है। द लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट राइज अप द टावर and condense in the subsequent stages in decreasing order of boiling points. The uncondensed gas, that is the petroleum gas, comes out of the tower. The residue left contains asphalt, paraffin wax, lubricating oil, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है जिसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन आती है। फिर ये टेबल देखिए 7.2 में, तो यहाँ भी इसके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, उनका यूज़ भी दिया हुआ। जैसे पेट्रोलियम गैस है तो एलपीजी जो हमारा आता है ये उसमें वही होता है, पेट्रोल ऑटोमोबाइल के फ्यूल हैं, किरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल है, डीजल जितने भी लोकोमोटिव हमारे चलते हैं ट्रक वगैरह ये सब डीजल पे ही चलता है। और फिर जो रेसिड्यू बचा फ्यूल ऑयल देखिए आप, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हम लोग मोबिल वगैरह यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, मेकिंग कैंडल्स, पोमेड, सर्फेसिंग रोड्स, लुब्रिकेंट मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। नेचुरल गैस के बारे में है कि ये मोस्टली मीथेन होते हैं, मीथेन आप जानते हैं कार्बन सिंगल चार हाइड्रोजन CH4 इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला होता है, बर्न्स कम्प्लीटली बिना रेसिड्यू छोड़े हुए, चूँकि ये गैस है बिना कोई रेसिड्यू दिए ये प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो उसका फार्मूला भी यहाँ लिखा हुआ CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, हीट निकलेगा, कोई रेसिड्यू नहीं छूटता क्योंकि ये कम्प्लीटली गैस है। ठीक है, जितने भी जो आज मैंने बताया, आज भी और कल भी जो हमने बताए थे CH4 उसमें जो बायोगैस था उसमें एक केमिकल इक्वेशन था, देन कोल में हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा, फिर अभी एक केमिकल इक्वेशन, तो जितने केमिकल इक्वेशंस हैं इनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए अगले पेज पर, टॉपिक शुरू होने से पहले ऊपर में है, एज नो सूट इज़ फॉर्म्ड मीथेन इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लीन फ्यूल, चूँकि कोई सूट कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता नहीं है लास्ट में, कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत क्लीन फ्यूल माना गया है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is therefore preferred to diesel or petrol for the use in public transport in some cities, जो बहुत ज़्यादा सिटी गंदा हो गया हुआ है जिनके एटमोसफेयर जैसे दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ ऑटोमोबाइल्स में, रिक्शा में, टैक्सी में, इन सब में CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही यूज़ किया जाता है क्योंकि वो क्लीन फ्यूल माना जाता है और कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, तो इसलिए वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये थे सारी बातें, कल हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट मेक्स अ गुड फ्यूल। ठीक है, ओके।